हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज हम टेस्टी आलू की सब्जी बनाएंगे। उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले 3-4 आलू के ये के पीस लिए, फिर टमाटो प्यूरी लिए और फिर एक ओनियन का पेस्ट लिया है, फिर कड़ी पत्ते लिए और गार्निश के लिए धनिया लिया है। तो पहले हम लोग आलू को थोड़ा शैलो फ्राई कर देंगे। उसके लिए एक पैन रखना है अपन को ऊपर। अभी उसके अंदर हम लोग ऑयल डालेंगे। फोर टू फाइव टी स्पून ऑयल लिया है। अभी इसको थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद अपन इसमें आलू शैलो फ्राई करेंगे। अभी ऑयल गर्म हो गया है, अभी अपन इसमें एकदम धीरे धीरे आलू डालेंगे। गैस फास्ट ही रखने का। अभी ये पूरे ब्राउनिश ना हो जाते हैं उनको तब तक फ्राई करने का। अभी इसको अपन 10 मिनट पहले फास्ट गैस पे करेंगे, बाद में उसको थोड़ा सा स्लो पे ब्राउन होगा तब तक करेंगे, फिर अपन निकाल देंगे। इसको ऐसे स्टर करना है। ये ऐसे ब्राउन होगा और ये देखो, आप इसको ऐसे देख भी सकते कि कितना पका है, ऐसे कट रहा है। इतना ही अपन को करने का है। अभी इसमें से निकाल देंगे अपन, साइड से ऐसे करेंगे तो ऑयल निकल जाएगा, खाली आलू वालू निकालना। इसके नीचे आप टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ऑयल लग रहा है तो। अभी अपन पूरा निकाल लेंगे। अभी अपन ने जो ऑयल में आलू को शैलो फ्राई किया था ना, वो ऑयल अपन थोड़ा सा निकाल देंगे और फिर इसमें अपन छमकाम ये बाद में कोई दूसरी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, फेंकने का नहीं। अभी 1 टेबलस्पून जितना इसमें ऑयल रखो और बाकी जितना भी रहेगा ना एक्स्ट्रा वो निकाल दो। अभी इसको थोड़ा गर्म होने दो। अभी इसमें अपन मस्टर्ड सीड्स डालेंगे, राई डालेंगे अपन पहले इसमें। अभी इसको थोड़ा पकने देंगे, पकने दो। जीरा डाल। अभी अपन जीरा डालेंगे थोड़ा सा और फिर हींग डालेंगे। अभी गैस को स्लो करो और फिर कड़ी पत्ता डाल दो। अभी अपन इसके अंदर ओनियन, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। गैस स्लो ही रखने का। इसको 5 मिनट तक पकने देना है। इसको जल्दी पकाने के लिए अपन थोड़ा सा ऊपर नमक डाल सकते हैं, तो उससे ना ऑनियन फास्ट पकेगा। गैस को स्लो करेंगे और फिर अपन सब मसाले डालेंगे। पहले अपन 1 टीस्पून मिर्ची डालेंगे, फिर 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे।
और नमक स्वाद अनुसार टेस्ट के, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसको भी अपन 2-3 मिनट अच्छे से है ना पकाएंगे सब मसाले को। अभी अपन इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। ये मैंने 2-3 टमाटो लिए थे, अभी गैस फास्ट करके इसको अच्छे से पकाना है। अभी इसको थोड़ा फास्ट रख के इसके ऊपर ढक दे देंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए ग्रेवी को पकाएंगे। फिर गैस मीडियम कर दो, मीडियम पे इसको 2-3 मिनट पकाना है। अभी 5 मिनट बाद ढक हटा देंगे और भी इसको एक बार हिला के देखेंगे। ग्रेवी को एकदम अच्छे से पकाने का है, नहीं तो इसका टेस्ट एकदम अच्छा नहीं आएगा, कच्चा रहेगा। तो अभी इसमें अपन थोड़ा सा लिक्विड जैसा फॉर्म करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा लिक्विड जैसा चाहिए तो अंदर ज़्यादा पानी डाला। इसको भी अभी पकाएंगे 2-3 मिनट तक, फिर उसके बाद इसमें अपन आलू डालेंगे। अभी ये पक चुका है, 2 मिनट हो गया है। अभी अपन इसमें इसके अंदर जो फ्राई किए थे ना आलू वो डालेंगे। चलो फ्राई किए थे गैस को मीडियम पे करके अपन को एकदम इसको अच्छे से हिलाना है कि पूरा ग्रेवी के अंदर ग्रेवी इसके ऊपर एकदम अच्छे से कोट होने जानी चाहिए। ये मिक्स हो गया है। अभी अपन इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर उसके बाद इसको 5 मिनट फास्ट गैस पे पकाएंगे। अपन इस पर ढक दे देंगे। ज़रूरी नहीं है आप इसमें ही बनाएं, पैन में आपके पास जो भी बर्तन अवेलेबल है आप उसमें बना सकते हो। अभी 5 मिनट हो गया है, मैं इसको थोड़ा स्लो करेंगे और इसको एक बार हिला के देखेंगे। पक गया अभी है। अभी अपन इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। इसको हिलाएंगे, इसके बाद इसको 2 मिनट रखेंगे, फिर अपनी सब्जी सर्व करने के लिए रेडी हो गई है। अगर आपको लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो थोड़ा और अंदर आप पानी डाल सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। अभी ये सर्व करने के लिए रेडी हो गया है। अपन इस पर धनिया डालेंगे और फिर सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा इतना टेस्टी आलू का सब्जी रेडी है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, स्टीम राइस के साथ भी खा सकते हो। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना कि आपको नोटिफिकेशन मिले। टिल देन बाय, थैंक यू।